नहीं अनमोल, ऐसा मत बोल। भगवान का बनाया हुआ हर चीज का अपना एक महत्व होता है और तुम्हारा भी है। तुम अनमोल हो, एकदम अनमोल, एकदम अनमोल, एकदम अनमोल, एकदम अनमोल, एकदम अनमोल। इसीलिए आज के बाद खुद को कभी मत कोसना। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन एक शिकायत जरूर है तुझसे। क्या? अनमोल, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब तुम्हारे घर वाले हमारी गलत तरीके से शादी करवा रहे थे तो तुम चुप क्यों रही? चुपचाप बैठी हो, अगर कुछ हो की ना तो हमें मरा हुआ नहीं देखूंगी। उस गलत शादी के लिए तुम्हारी सहमति क्यों थी? बस यही एक शिकायत है तुमसे। आपकी शिकायत वाजिब है ऋषि, लेकिन हम अपनी खुशी से चुप नहीं थे। हम बहुत मजबूर थे, बहुत असहाय थे। शादी से ठीक एक दिन पहले हमारे पापा सुसाइड करने गए थे और साथ में हमको भी लेकर गए थे। हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो तो चाचा जी ने बचा लिया, लेकिन ये सब से हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि हमारे पापा दोबारा ऐसा कुछ ना कर ले। बस यही सोच कर हम छुप रहे, लेकिन हमारा भगवान जानता है हम छुप जरूर थे, लेकिन हम अंदर ही अंदर बहुत रो रहे थे। आप पूछेंगे कि शादी में मजबूरी था इसलिए तुम चुप थी, लेकिन गलत शादी को क्यों मान रही हो, है ना? यही पूछना चाहते हैं ना आप? भले ही गलत तरीके से शादी हुआ, लेकिन पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर हुआ। पवित्र अग्नि का हमने साथ फेरा लिया। हमारे पापा ने आपके हाथ में हमारा हाथ देकर कन्यादान किया और आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा। ये सब नकली था? आप इसको किसी भी नजरिए से देखिए, लेकिन हमारे लिए ये धर्म है, वास्तविकता है और हमारी भावना है। हम लोगों की जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होता है। सही गलत हम नहीं मानते। तरीका गलत रहा है, लेकिन हमारा भावना पवित्र था। लेकिन हम अपनी भावनाओं को आप पर नहीं ला देंगे। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते हैं
तो हम चुपचाप आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। बहुत बोल लिया तुमने, अब हमारा सुन। हम तुमको डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। हम जानते हैं कि डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना है। हे भगवान, हमारे दिल का बात हमारे घर वालों को पता नहीं चला, लेकिन ऋषि हमारे दिल की बात जानते हैं। और तुम्हारा डॉक्टर बनना हम दोनों के रिश्ते के लिए भी वरदान साबित होगा। वैसे तो हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे घर वाले तुमको कभी हमारी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तुम ऐसा जिल्लत वाला जिंदगी क्यों जियोगी? तुमको भी तो सम्मान पाने का हक है, और तुम्हारा हमको छोड़कर जाने का फैसला भी करेक्ट है, लेकिन ऐसे नहीं। लूजर बनकर मत जाओ, सफलता के साथ एक विजेता बन के जाओ, डॉक्टर बन के, डॉक्टर बन के, डॉक्टर बन के, डॉक्टर बन के। और जिस तरह तुम अग्नि को पवित्र मानती हो, उसी तरह हम इस पवित्र मिट्टी को अपने हाथ में लेकर आज तुमको वचन देते हैं कि तुम्हारे डॉक्टर बनने में हम तुम्हारा साथ देंगे। और यकीन मान, जिस दिन तुम डॉक्टर बन गई ना, वो दिन हमारा जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होगा। हमारे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते तो ना सही, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना सपना पूरा करने के रास्ते में आगे बढ़ो, यही तुमको इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलाएगा। पूरी दुनिया जो तुमको छोटा कद वाली बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाती है ना, डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा कद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सब तुम्हारा मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सब तुमको सल्यूट करेंगे। बिल्कुल ऐसा होगा अनु, तुम बस अपने दोस्त पर विश्वास रखो। इसके बाद तुम चाहे हमारे घर से चली जा, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद, और जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती, तुम हमको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हमारे साथ रहोगी हमारे घर पर, और तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ देगा, ये हमारा वादा है तुमसे। थैंक यू ऋषि, थैंक यू। यारा वे बनूं मैं तेरा सहारा वे, यारा वे बनूं मैं तेरा सहारा वे, यारा वे हो। दादी चलो खाना खा लो। दादी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। जब छठ मैया भूखी हो तो कैसे कोई एक भी निवाला खा सकता है? अनमोल 3 दिन से व्रत में थी, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, ऐसे में हम एक भी अन्न का दाना कैसे घोट सकते हैं? कहाँ रहे दिलीप बुआ? इंसानी भूसे की तरह खाना काहे परोस रहा है? खाना बनाते वक्त अपनी जोरू से बात कर रहा था, कहा बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, कहा बनाया है खाना, ये खाना है? साहब जी, अब आप लोगों का हम पर ध्यान कहाँ रहता है? अब देखिए ना, इतने समय से हम खाना नहीं बनाया है और आप लोगों को पता ही नहीं चला। का? अगर तुम खाना नहीं बना रहे थे तो फिर कौन बना रहा था? अनमोल,
बिल्कुल सही। अभी जो आप लोग खाने का स्वाद का बात कर रहा था ना, वो अनमोल के हाथ का बनाया हुआ खाने का स्वाद था। अब वो तो चला गया है, इसलिए आप लोगों को खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है। अनमोल जी के हाथ का खाने का बात ही अलग था। वाह साहब जी, अब अनमोल के हाथ का बना हुआ खाने का स्वाद हमारे हाथ के खाने में कैसे आ सकता है? आप लोगों को इतने दिनों से अनमोल के हाथ का खाने का आदत जो लग गया है ना, ज्यादा बोलेगा, देख रहे हैं आजकल तुम बहुत लाउड स्पीकर की तरह बज रहे हो। अंदर जाओ और गर्मा गर्म रोटी लेकर आओ। हाँ जैसा खाना बनाता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। भैया जी, वो बुटकी के विदाई के खुशी में दावत समझ के खा लीजिए। ऐसे कि वो अभी तो गई है अपने असली जगह पे। सुरीली, मैंने कुछ बोलोगी? खाना खाओ। पता नहीं, देसी का फोन भी बंद है और लड़का सवेरे से गायब है। ऋषि भैया छठ पूजा के बाद अगर कोई घर वापस लौट कर नहीं आता ना, तो बहुत अशुभ माना जाता है। अगर तुम लौट कर नहीं आती, ये घर में छठ का पूजा खंडित किया जाता। ये तुम क्या कर रहे हो? एक शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी के सामने किसी और लड़की का हाथ पकड़े, ये उसकी पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार पिंकी, बस बहुत हुआ, बंद करो ये नाटक, बंद करो ये नाटक, बंद करो ये नाटक, बंद करो ये नाटक, बंद करो। निशी, ये तुमको कहाँ हो गया है? अब इसको ढकने छुपाने का कोई मतलब नहीं। हम आपका, पिंकी का, मम्मी का और पिंकी के साथ हमारी ये झूठ मूठ की शादी का सब राज अनमोल को बता चुके, अनमोल को बता चुके, अनमोल को बता चुके, अनमोल को बता चुके। अफसोस कि इस गलती में हम भी शामिल थे, लेकिन इसके लिए हम अनमोल से माफी मांग चुके हैं। ये तुमने बहुत गलत किया ऋषि, हमको तुमने कहीं का नहीं छोड़ा,
अब हम यहाँ एक सेकंड के लिए नहीं रुकेंगे। बहुत करा ली अपनी बेइज्जती। पिंकी, पिंकी इतना रात को कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मत जाओ। मत रोक लिया तुमने, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। रुक जाओ पिंकी, रुको। वो बहुत जिद्दी है, अब किसी का नहीं सुनेगी। हम देखते हैं। अनु, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तुमको उसकी चिंता है? जीवन, अब तुम जाओ, उसे घर तक छोड़कर आओ। जीवन भैया, हम भी चलते हैं आपके साथ। ऋषि, ऋषि तुमको कहा हो गया है? कहीं इसने तुम पर टोना टोटका जादू तो नहीं कर दिया है? कहा हो गया है तुमको? जिसके खुद के साथ एक के बाद एक साजिश हो रहा हो, वो भला क्या जादू टोटका करेगा? मम्मी, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि घंटा सरकार ने पापा से बदला लेने के लिए अनमोल को किडनैप नहीं किया था। आप जानती हो वो अनमोल के साथ क्या करना चाह रहा था? किसी विदेशी सर्कस में भेज रहा था उसको। अगर हम एक मिनट भी लेट होते ना मम्मी, तो आज अनमोल यहां हमारे साथ खड़ी नहीं होती। और हमको लगता है कि इसके पीछे घर के ही किसी सदस्य का हाथ है। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? वो घंटा सरकार ने वो कप्तान के सामने स्वीकार किया है और तुम हो कि नहीं? पापा, हमको पूरा शक है कि अनमोल को घाट से गायब करने के पीछे मम्मी और चाची जी कहा, चाची जी कहा, चाची जी कहा, चाची जी कहा, चाची जी कहा। सारा हद पार कर रहे हैं। हमारा तुमसे एक सीधा सवाल, तुम ये सब क्यों कर रहे हैं? तुमको अगर लगता है कि अपना व्यवहार बदलने से ये डेढ़ फुटिया कोई घर में जगह मिल जाएगा, तो हमारा जवाब है हरगिज नहीं। तमाशा की पुड़िया को इस घर से निकलना ही होगा। हम सच कह रहे हैं मम्मी, और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो रखिए अपना हाथ हमारे सर पर। और कहिए कि अनमोल को गायब करने के पीछे आपका हाथ नहीं था, आपका हाथ नहीं था, आपका हाथ नहीं था, आपका हाथ नहीं था। बोलिए मम्मी, बोलिए मम्मी, अब आप चुप क्यों हैं? 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 अब आप चुप क्यों हैं?
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.